कुरवाई नगर परिषद ने सीएम राइज स्कूल के पास तार फेंसिंग कर अस्थायी गौशाला बनाई गई है, जिससे आवारा मवेशियों सहित गायों से किसानों को राहत मिली है। मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने सीएम राइज स्कूल के पास तार फेंसिंग कर अस्थायी गौशाला बनवाई है, जिसमें क्षेत्र भर के आवारा मवेशियों सहित गायों को रखने के इंतजाम किए गए, जिस कारण खेतों में फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत मिल रही है। बजरंग दल के सचिन यादव ने बताया कि अस्थायी गौशाला में किसान ही मवेशियों को भूसे आदि के इंतजाम कर रहे हैं। रोजाना एक किसान मवेशियों को ट्राली से भूसा भेजते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्थायी गौशाला में गायों को ठंड से बचने के लिए तिरपाल डालने का काम कर रहे हैं। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सचिन यादव। अस्थायी गौशाला में क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? अस्थायी गौशाला में किसानों द्वारा ही भूसा की व्यवस्था करी जा रही है, और आज बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, और जो सर्दी है गाय के लिए, रात के टाइम सर्दी लगती है, इसके लिए यहाँ पे तिरपालों से व्यवस्था कर रहे हैं कि सर्दी ना लगे उनको। पर्याप्त भूसे वगैरह का इंतजाम हुआ है? हाँ, लगभग रोज एक किसान अपनी तरफ से ट्रावली, भूसा की ट्रावली भर के लाते हैं। ऐसे अभी गए हैं किसान, कुछ देर बाद आने वाला है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।